नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित, जॉब के संबंधित क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जॉब संबंधित या डी फार्मा, बी फार्मा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है, हाउ टू गेट जॉब एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब है, ट्रेनी फार्मासिस्ट जॉब ऑस्ट्रेलिया में कैसे हम करें, विद्यार्थी ने पूछा है। तो सबसे पहले सर अपना इंटरव्यू दूंगा। साथियों, माइसेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके, बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, जैसा कि विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना चाहता है और जॉब कैसे मिलेगी, तो साथियों सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो सिटीजन्स ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे हैं, अगर वो फार्मासिस्ट कोर्स किए हैं, तो उनके लिए ट्रेनी फार्मासिस्ट में किसी तरह की जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, और वो जो है फार्मासिस्ट के अंडर में एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट बनने के लिए साथियों क्या होगा कि वहाँ का एक गवर्नमेंट का एक टेस्ट है, कैप्स, KAPS। कहने का मतलब है नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, कैप्स को आपको पास करना पड़ेगा। साथियों, इसमें एक और गुड न्यूज आपके लिए है, अगर आप इंडिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना चाहते हैं, तो साल में दो बार इंडिया में रह के आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 6 मंथ की PR दे देगी। PR मतलब परमानेंट रेसिडेंस, आपको वहां की सिटीजनशिप दे देगी। साथियों, कैप्स एग्जाम देने के लिए क्या होता है कि आपको जो एंट्रेंस होगा वो दिल्ली में होगा, आपको दिल्ली में एग्जाम जाके देंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप परमानेंट वहां के रेसिडेंस हो जाएंगे। साथियों, जब 6 मंथ का जो है PR दे देती है, परमानेंट रेसिडेंस दे देती है, तो उसमें साथियों होता क्या है कि आप वहां जाके वहां के नागरिक हो जाएंगे, आप वहां पे जो है जाएंगे, रहेंगे, उसके बाद आपको जॉब सर्च करनी है। शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे बायोडाटा लगाएंगे, वहाँ की लोकल एजेंसीज हैं उसके माध्यम से बायोडाटा लगाएंगे, और जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उसमें आप जो है अपना इंटरव्यू देंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। साथियों, वहाँ पे इतना काम है, इतनी जॉब, मतलब जैसे हमारे इंडिया में साथियों क्या होता है, मेडिकल स्टोर होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मेडिसिन मॉल होता है। कहने का मतलब है कि इतनी तरह की दवाइयाँ आती हैं, इतनी रिच कंट्रीज हैं, जैसे UAE है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, वहाँ पे सभी तरह के प्रोडक्ट उसमें बिकते हैं। जैसे कॉस्मोसूटिकल, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग जो है परचून की दुकान पे जाते हैं या मॉल में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुकान में जाते हैं, पर वहाँ क्या होगा कि केमिस्ट की दुकान पे मिलते हैं। उसी तरह से OTC आइटम है, बेबी प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट में क्या होता है, बेबी फूड है, बेबी बोतल है, डायपर है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो है, टीथर है, वो सभी आपको जो है मेडिकल स्टोर पे जाके लेना पड़ेगा। जिम प्रोडक्ट हैं, जो बिल्डअप प्रोडक्ट, जैसे क्या होता है कि वे प्रोटीन है, इस तरह के जिम के जो प्रोडक्ट हैं वो सभी आपको केमिस्ट की दुकान पे, कहने का मतलब है मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। तो साथियों होता क्या है, बहुत बड़ी OTC रेंज है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, कॉस्मोसूटिकल्स है, हर्बल प्रिपरेशंस हैं, आयुर्वेदिक हैं, सभी कुछ आपको उस पे मिलेगा। तो वहाँ पे जो परमानेंट रेसिडेंट फार्मासिस्ट हैं या जिनके ओनर हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो फार्मासिस्ट को असिस्ट करने के लिए और वहाँ पे कस्टमर को जो है असिस्ट करने के लिए, कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने के लिए, आप जो है एज ए फार्मासिस्ट ट्रेनी जॉब कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट में नहीं पास होते हैं, जो कैप्स नहीं है, अगर आपने कैप्स कर लिया है तो आप फार्मासिस्ट तो वहाँ के बन ही सकते हैं। इन केस आपको किसी तरह से विलम्ब होता है जा पाने में, तब तक के लिए आप फार्मासिस्ट ट्रेनी की भी जॉब कर सकते हैं किसी दुकान पे। और वहाँ पे क्या होगा कि घंटे के हिसाब से, साथियों घंटे के हिसाब से जो है सैलरी मिलती है। साथियों कहने का मतलब है $40 से $50 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है पर आवर्स मिलता है, और इसमें क्या होता है कि मिनिमम 6 घंटे जो है ड्यूटी होती है। अगर आप 7 घंटे करते हैं, 8 घंटे करते हैं, उसी से तरह से कैलकुलेशन बढ़ता चला जाएगा। साथियों एक और चीज़ बताऊँगा, सैटरडे के दिन, शनिवार जो, वहाँ पे क्या होता है, सैलरी आपकी 1.5 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब $40 से $50 जो पर आवर्स मिलते थे, पर घंटे मिलते थे, वो आपको और ज़्यादा मिलने लगेंगे। और जब अगर संडे आप जॉब करेंगे तो वो डबल हो जाएगी, जो 40 से 50 क्या होगा कि 100 मतलब डॉलर, 100+ डॉलर मिलने लगेंगे।
साथियों। तो कहने का मतलब है जो सेली बनती है वो घंटे के हिसाब से साथियों सेली होती है। आप अगर एज ए फार्मासिस्ट जॉब करेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो लगभग 4 से 5 लाख मतलब रुपीस इंडियन करेंसी में आप कमाएंगे, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए आपका जो है एकोमोडेशन हो जाएगा, जिसमें रूम का रेंट हो जाएगा, खाना हो जाएगा, तब भी आपके पास बहुत बचेगा। ये एक ट्रेनी की सैलरी है। आप अगर अच्छा काम करते हैं, आपकी कस्टमर असिस्ट करते हैं, कस्टमर को बहुत अच्छा जो है ग्रीट करते हैं, कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब ओनर वहाँ के देखेंगे, केमिस्ट शॉप ओनर देखेगा, जो फार्मासिस्ट परमानेंट है वो देखेगा, तो आपकी सैलरी और ज़्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिभा पे, कैलिबर पे, आप कैसा जॉब करते हो, परफॉर्म करोगे, उसी हिसाब से सैलरी वो जो है। सैलरी साथियों क्या होता है, फिक्स नहीं होती है, शॉप टू शॉप अलग होती है, फैक्ट्री टू फैक्ट्री अलग होती है, सभी तरह से क्या होता है कि अलग अलग जो है सैलरी होती है। तो उसमें होता क्या है साथियों कि जो है डिपेंड करेगा आप कैसा जॉब करते हैं, आपका बोलचाल अच्छा है, कस्टमर जैसे आता है आप तुरंत बात करेंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं असिस्ट यू, कस्टमर अगर कुछ बोलता है तो आप उसको हेल्प करेंगे, कस्टमर आपके लिए अगर अच्छा वहाँ पे जो है कुछ नोट लिख के जाएगा, आपके बारे में फीडबैक लिख के जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो शॉप कीपर है, जब आपका वो होगा, कहने का मतलब है साल में एक बार दो बार जो है अप्रेजल होगा, तो आपको क्या होगा कि सैलरी में ग्रोथ देगा, उसमें आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, एक्सीलेंट भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है। तो उस तरह से साथियों होता क्या है कि आपको जो है बेटर सैलरी मिलेगी साथियों। साथियों बहुत से कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि हाउ कैन फाइंड जॉब। साथियों इसके लिए क्या है कि आप अगर आप ये टेस्ट पास कर लेंगे तो वहाँ का रेसिडेंस वीज़ा मिल जाएगा, 6 साल के नागरिक हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि 3 से 4 लाख आपको जाने आने में रहने में लगेगा, और आई होप 1 हफ्ते के अंदर आपको बहुत बेटर जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज वेबसाइट है seek.com.au, इस पे आप जो है अप्लाई करेंगे, वहाँ से जो है जॉब के लिए आपके लिए ऑफर आएगा। साथ ही साथ लिंक्डइन जॉब साथियों, एक जैसे नौकरी जॉब है, job.com है, या फिर तो उसी तरह से linkedinjob.com है। लिंक्डइन पे आप जैसे बायोडाटा अपलोड करेंगे आपको पूरे विश्व की जॉब आने लगती हैं। अगर इन केस अगर आप स्पेशली किसी कंट्री में करना चाहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपके वहाँ से सारी जॉब आ जाएंगी। साथियों इसमें होता क्या है कि रिक्वायरमेंट का है, अगर आप मतलब फार्मासिस्ट ट्रेनी बनते हैं और आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो होता क्या है कि आपको नो नीड एग्ज़ाम फार्मासिस्ट ट्रेनी बन सकते हैं, अदरवाइज आप जो है इसको एग्ज़ाम पास करके परमानेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। साथियों इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, इसमें जो है बी फार्मा, एम फार्मा और जो फार्म डी किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्मा इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है साथियों लगभग जो है मतलब 2,000-2,500 रुपये या 1,500 अलग अलग सैलरी है कि यहाँ से हिसाब जो है पर आवर सैलरी मिलेगी। कहने का मतलब है 25 से लेके 40 या 50 डॉलर पर आवर्स आपकी जो है सैलरी होगी और बहुत अच्छा आप अर्न करेंगे, और उस पर क्या क्या होगा कि आप जैसा काम करेंगे धीरे धीरे ग्रोथ मिलती जाएगी। तो साथियों आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, और आप वेबसाइट पे जाके इसके एग्ज़ाम के बारे में डिटेल ले सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ कहूँगा साथियों, इसमें होता क्या है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे एग्ज़ाम के लिए, कैप्स के लिए, नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, वो साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। सपोज दैट आप मैरिड हैं, अगर आपकी मिसेज या वाइफ अगर डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं, जो भी हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें नंबर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है उनका अपना एक पैरामीटर है, उस हिसाब से जो है सारी आपकी डिटेल लेंगे और उसके हिसाब से जो है आपको नंबर देंगे। तो उसमें आप अगर पास हो जाएंगे तो परमानेंट रेसिडेंस 6 ईयर के लिए मिल जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फाइनली होगा क्या कि एक टाइम के बाद आप वहाँ के नागरिक हो जाएंगे और अच्छी सैलरी आप कमा सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों हमसे जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है इजी स्टडी फार्मेसी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, आप क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार।